make the ground shake. Hey guys, this is Samir Mark, no left and no right, only Mark way. So guys, अभी मैं आया हूँ इधर reclamation पे. हम लोग अभी लोनावला जाने वाले, मतलब पूरा मुंबई कवर करने वाले पूरे शूट पे. और ये शूट बहुत अलग लेवल पे आने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना. और यहाँ तक आप लोकेशन देख सकते हो, बारिश की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है. अभी टी शर्ट अपना चेंज कर रहा हूँ, मतलब पूरा अभी लुक ही अपना चेंज करने वाला हूँ. और अभी पूरा दूसरे लुक में भी शूट करने वाला हूँ. और जब तक आप लोग ये जो मेरा अभी सिनेमेटिक शॉट था वो सब आप देखो. और गाइस स्किप मत कर. ये वीडियो चौंका देने वाली है आप लोगों को, पूरा चौंका देगी. एंड गाइस, मैं चाहता हूँ जो मेरे फैंस है वो सीखे कि स्टाइल कैसे करे, अपने आप को ग्रूम कैसे करे. मैं जैसे आप लोगों को पता रहेगा, अभी जो सिनेमैटिक शूट कर रहा है वो शेख हमजा द फेमस फोटोग्राफर, काफी टैलेंटेड बंदा है. We'll be right back.
का लोकेशन का हो गया और आप लोग देख सकते हो मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी क्योंकि मैं शूट से 2 बजे रात को आया और सुबह 6 बजे निकला हूँ शूट के लिए। कॉफ़ी पी के, चाय पी के, बहुत ग्रीन टी पी के। बहुत लोगों को लगती है कि फैशन ब्लॉगिंग बहुत ईजी है, तो गाइस ईजी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेन कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है कि क्या करना है, यहाँ का शूट कैसा होगा, यहाँ का वीडियो कैसा आएगा। तो गाइस आप लोग सीखो ये वीडियो से, पूरा वीडियो देखना। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थैंक यू। तो गाइस अभी हम कोट चेंज पे आ चुका हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं अभी कुछ नया है, कुछ मतलब ये थोड़ा फंकी है। तो गाइस जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या ये सब मतलब फैशन ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं, तो गाइस फैशन ब्लॉगिंग बहुत कुछ। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे फैंस को कि आप फैशन ब्लॉगिंग सब कमा भी सकते हो और फैशन ब्लॉगिंग में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, इवन आप इंडिया के बाहर भी आप बहुत कुछ फैशन ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को अगर कुछ जानना है तो आप कॉमेंट करो, आपको कुछ भी पूछना है फैशन के रिलेटेड तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा क्लियर होंगे तो जितना हो सके। और गाइस ये जो सिनेमैटिक शूट हो रहा है ना, समझो 5 मिनट का जो शूट होता है ना, समझो 6 घंटा लगता है सिर्फ 5 मिनट के शूट के लिए, तो आप सोच सकते हो कितना मेहनत होता है इसमें। तो काफ़ी मेहनत है और उसमें इतना है कि मज़ा बहुत आता है ये सब करने में, तो मुझे मज़ा बहुत आ रहा है इसलिए मैं करते रहता हूँ। फैशन ब्लॉगिंग समझो एक बचपन से सपना था कि मैं स्मार्ट दिखूँ जितना हो सके, अपने आपको ग्रूम करूँ, तो वही मैं कर रहा हूँ। बोलते ना जो तुम्हारा दिल बोलता है वो करो, तो मेरा दिल बोलता है ना वही करता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा भाई जिसको भी फैशन के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मेरे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, पोजेस यहाँ पे सीखने मिलेगा। तो गाइस मैं चाहूँगा जो इंडिया के लोग हैं, जो बहुत बाहर के लोग बोलते हैं कि इंडिया के लोग मतलब इतना फैशन ब्लॉगिंग नहीं, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग भी फैशन ब्लॉगिंग में आओ, अपने आप को ग्रूम करो, दिखाओ, पूरी स्टाइलिंग दिखाओ, यूनिक कुछ दिखाओ। मतलब ये मत देखो जो समीर माकड़े पहना वही मैं करो, ऐसा नहीं है। अगर जैसे मैंने ये पहना है कुछ, तो आप कुछ यूनिक करो उसमें, तो शायद आप समीर माक से और आगे चलिए। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं आप लोग बहुत आगे बढ़ो। और हाँ, फैशन ब्लॉगिंग में अगर नाम आया था सिर्फ इंडिया में, सिर्फ समीर माक का आना चाहिए, तो इसके लिए मैं काफ़ी आगे मेहनत करने वाला, बहुत कुछ लाने वाला हूँ जिससे आप बोलते ना क्रेजी आपको लगे कि हाँ इसको बोलते वीडियो, मतलब लेवल। Thank you.